हमीरपुर जिला के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दो नए जिला सचिवों के साथ एक सचिव की नियुक्ति की है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू मानी जा रही हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला सचिव कनिष्का चोपड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और जिसका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। उसकी की भरपाई को लेकर युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभयवीर लवली ने तीन नई नियुक्तियां कर राहत पहुंचाने की कोशिश की है। मुकुल ठाकुर और राखी जसवाल को जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि नेहा मिश्रा को जिला के सह सचिव की नियुक्ति दी गई है। काबिल गौर है कि पार्टी से नाराज होकर पिछले दिनों कनिष्का चोपड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और एक महीना पहले जिला के एक और सचिव कपिल वर्मा ने भी नाखुश होकर अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसी की भरपाई को लेकर युवा मोर्चा ने तीन नई नियुक्तियां करके कुछ राहत महसूस करवाने की कोशिश की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी विकास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये तीनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं और युवा मोर्चा को और सुदृढ़ तरीके से काम किया जाए, इसमें टीम के लिए इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी तरह से तैयार है और चुनावों में युवा मोर्चा कोई भी कोर कसर छोड़ने वाला नहीं है। हाल ही में हमारे युवा मोर्चा के दो सचिव पदों ने इस्तीफा दिया, जिसको कि जिला अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। उसके बावजूद हमने पिछले कल तीन नई नियुक्तियाँ की हैं। इन तीन नई नियुक्तियों को हमने सचिव पद पर बैठाया है, जैसे कि हमारे मुकुल ठाकुर नए सचिव बनाए गए हैं, राखी जसवाल बनाए गए हैं हमारी सचिव जो मंडल में पहले भी कार्य करते रहे, और एक सह सचिव का पद हमने नई पढ़ी लिखी लड़की को दिया है जो कि नेहा मिश्रा हैं, हमारे मंडल से ही वो भी प्रमोट किए हैं। हमने और युवा मोर्चा को और सुदृढ़ करने के लिए आगामी लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, तो उनको और सुदृढ़ करने के लिए हमने ये गठन किया है और युवा मोर्चा लोकसभा के चुनावों में बिल्कुल पूरी तरह तैयार है और वो लोकसभा के चुनावों में भारी मतों से विजय करवाएगा। वहीं अपनी नियुक्ति के लिए मुकुल ठाकुर ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर, हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर के अलावा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया और कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे निभाने के वे भरपूर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा चुनावों के लिए तैयार है और युवा मोर्चा बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा भी लेगा। मुझे जिला सचिव की के पद पर नियुक्ति देने के लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे MLA साहब नरेंद्र ठाकुर जी, जिला भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर जी और अपने भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष अभयवीर सिंह लवली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा। ये जो पद मुझे दिया गया है मैं इसे बखूबी निभाऊंगा, जो भी मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी उसको मैं तहे दिल से निभाऊंगा और इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ पूरे अपने सीनियर कार्यकर्ताओं का, पूरी पार्टी का और प्रेम कुमार धूमल जी का और अनुराग ठाकुर जी का। मैं राखी प्रधान ग्राम पंचायत शासन से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मुझे नई जिम्मेवारी दी गई है जिला सचिव के रूप में, उसके लिए मैं तहे दिल से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, आदरणीय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी तथा साथ में युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अभयवीर लवली जी तथा उनकी टीम, जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर जी, मंडल अध्यक्ष पंकज मिन्हास जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं तथा धन्यवाद करती हूं तथा आने वाले आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद को युवा मोर्चा पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें विजय बनाने के लिए तत्पर रहेगा तथा कड़ी मेहनत करेगा। धन्यवाद।